सरकार उनकी है और इस सत्ता की दुरुपयोग करके ये सब कर रहा है, लेकिन ये कुछ दिनों के मेहमान है। फिलहाल हम शिवसेना भवन के बाहर मौजूद हैं, जहां पर उद्धव ठाकरे अपने जो विधायक और सांसद हैं उनके साथ मिलकर ये एक बैठक करने वाला है। अब यहां पर एक रणनीति बनाई जाएगी। जिस तरह से चुनाव आयोग की ओर से फैसला दिया गया है कि जो शिवसेना का नाम है और जो चुनाव चिन्ह है वो एकनाथ शिंदे को दे दिया गया है, जिसके बाद ये बैठक को काफ़ी अहम माना जा रहा है। और उससे पहले हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि बड़े पैमाने में जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर उद्धव ठाकरे के समर्थन में कई नारे भी लगाए जा रहे हैं। आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, क्या आप लोग कह रहे हैं उसके बारे में आप बताएं। जो आप लोग अभी आकर यहाँ पर नारे भी लगा रहे हैं, क्या आप लोगों की मांग है? चुनाव आयोग की ओर से जो निशानी है या जो नाम है वो एकनाथ शिंदे को दिया गया है और चुनाव ने गलत निर्णय दिया है। खरी शिवसेना तो उद्धव साहब की है, चुनाव आयोग ने गलत निर्णय देके गलत किया है। अगर आपको उनको लगता है तो वोटिंग निवडणूक लियो और निवडणूक लेके दिखाओ किसका किसकी शिवसेना है। चुनाव लेने कहा जा रहा है, कह रहे कि आप चुनाव लड़िए और असली में शिवसेना किसकी है ये पता चलेगा। दरअसल एक बैठक है जहां पर जो विधायक हैं और जो सांसद वो आएंगे। अब सवाल यहां पर कई सारे हैं, जैसे कि अभी उद्धव ठाकरे की ओर से, क्योंकि अब शिवसेना अब एकनाथ शिंदे के पास गया है, तो शिंदे की कोशिश होगी जितने भी शाखा हैं या फिर जो ऑफिस हैं उसे अपने खेमे में या अपने कब्जे में लाने की, और इसकी कोशिश की शुरुआत हुई भी है। जो विधिमंडल में जो शिवसेना का दफ्तर है, जो विधान भवन में है, वो अब एकनाथ शिंदे के पास पहुंच गया। लेकिन यहाँ पर आप देखिए जो बड़े पैमाने पर जो कार्यकर्ता हैं वो पहुँचे हुए हैं और वो यहाँ पर उद्धव ठाकरे के समर्थन में नारे लगाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर बात रणनीति की है, क्या रणनीति बनाई जाती है, क्योंकि जो पार्टी का नाम है, पार्टी का सिंबल है और साथ ही साथ आप धीरे धीरे दफ्तर भी जो है वो जा रहे हैं एकनाथ शिंदे के पास, तो इसे लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठाए जा रहे हैं। और उसके बाद आज की ये जो बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस बैठक से पहले यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो कार्यकर्ता हैं वो पहुँचे हुए दिख रहे हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।